गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पिंकी माहेश्वरी, TGT संस्कृत टीचर। आज मैं आपको क्लास सेवन्थ का रुचिरा भाग द्वितीय का चैप्टर नंबर फर्स्ट ले रही हूँ। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नेम है सुभाषितानी। सु का मीनिंग होता है अच्छा और भाषित मीन्स क्या होता है वचन। तो चैप्टर का हिंदी मीन क्या हो गया, अच्छे वचन, अच्छी बातें या मधुर वचन। ओके, अब ये जो चैप्टर है इसमें सारे श्लोक दिए गए हैं और श्लोक का हिंदी मीन किया गया है। इनसे हमें कुछ न कुछ शिक्षा जरूर मिल रही है, तो हमें मोरल मिल रहा है, तो इसको हमें पढ़ना है और इन जो शिक्षा मिलती है उसको जीवन में हमें अपनाना है। अब जितने भी ये श्लोक दे रही हूँ मैं, इसका हिंदी मीन भी लिखकर सेंड कर रही हूँ मैं आपको, तो आपको भी इसका हिंदी मीन अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ओके, हिंदी मीन नोट डाउन करना जरूरी है ताकि हिंदी मीन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब मैं ले रही हूँ श्लोक नंबर फर्स्ट। पृथ्वीयां त्रीणि रत्नानि जलमनं सुभाषितं मूढेह पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञां विधीयते। अर्थात पृथ्वीयां, ये सप्तमी विभक्ति है यानी पृथ्वी पर। त्रीणि रत्नानि, संख्यावाची का त्रीणि नपुसकलिंग के लिए आता है तीन, रत्नानि भी नपुसकलिंग हो गया, ये बहुवचन हो गया, इसलिए तीन रत्न। जलम अनम, इसको पढ़ते हुए ध्यान रखना, इसको ऐसे पढ़ेंगे हम टुकड़े करते हुए, जलम प्लस अनम। बहुत से लोग इस, बहुत से बच्चे इसको जलम अत्र पढ़ लेते हैं लेकिन अन है यहाँ पर अनम। तो जल और अन, सुभाषितम यानी अच्छी बातें मधुर वचन। तो पृथ्वी पर लोग जो मेन महान पुरुष है उन लोगों ने पृथ्वी पर तीन रत्न ही माने हैं। कौन कौन से, जल अन्न और अच्छी बातें। मूढ़े है का मीन निकलता है मूर्ख लोगों के द्वारा, पाषाण खंडेशु, पाषाण का मीन होता है पत्थर, खंडेशु मीन्स टुकड़े, पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दी जाती है। अर्थात पत्थर के टुकड़े का मतलब यहाँ पत्थर के टुकड़े नहीं है, यहाँ हीरे जवाहरात से लिया गया कि जिसके, जिस इंसान के पास सोना चांदी हीरे जवाहरात ज़्यादा होते, कहते हैं ना हम कि ये बहुत बड़ा आदमी है, अमीर आदमी है, तो उसको हम अच्छा मानते हैं, बहुत बड़ा अमीर है। बट महान जो पुरुष है वो क्या कहते हैं कि अगर जिसके पास जल अन्न और अच्छी बातें हैं वही व्यक्ति, उस व्यक्ति के पास सबसे बड़े तीन रत्न हैं, बाकी जो मूर्ख लोग हैं वो तो पत्थर के टुकड़ों को अर्थात रत्नों को ही, इस हीरे जवाहरात को ही रत्नों की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि है। सत्येन यानी सत्य के द्वारा, ये तृतीय विभक्ति है, तो सत्य से ही पृथ्वी जो है ये धारण किए हुए, यानी ये जो पृथ्वी है ये सत्य पर ही टिकी हुई है। सत्येन तपते रवि, और सत्य के कारण ही, तपते यानी तपता है, धूप देता है, रवि मीन्स क्या होता है सूर्य, सूर्य जो है सच के कारण ही धूप देता है, प्रकाश देता है या चमकता है। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य के द्वारा ही, वाति मतलब बहती है, वायु मीन्स हवा, हवा जो है ये सत्य के द्वारा ही बहती है, सत्य के कारण ही बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ जो है वो सत्य में ही समाहित है, यानी सत्य ही सब कुछ है, यानी हमें क्या शिक्षा मिल रही है, हमें सच, हमेशा सच बोलना चाहिए। नेक्स्ट है दाने तपसी सौर्य च विज्ञाने विनिये नए विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थात हिंदी में क्या कह रहा है, दान करने में, दाने मतलब दान करने में, तपसी मतलब तपस्या करने में, सौर्य मतलब पराक्रम में, वीरता में। ये देखो ये तीनों जो वर्ड है ना, ये तीनों सप्तमी विभक्ति एक वचन में आ रहे हैं, इसलिए मैं साइन लगा यहाँ पर। विज्ञाने विनिये नए, विज्ञान में, विनय में और नया कुछ कार्य करने में, विस्मयो न ही कर्तव्य, आश्चर्य नहीं करना चाहिए, यानी हमें ज़्यादा सोच समझना नहीं चाहिए, सोच विचार नहीं करना चाहिए। कर्तव्यो बहु रत्ना वसुंधरा, जो ये पृथ्वी है, वसुंधरा का मीन क्या निकलता है, ये जो पृथ्वी है ये बहुत सारे रत्नों से भरी पड़ी है, इसलिए हमें ये सब अच्छे कार्य करने के लिए ज़्यादा आश्चर्य नहीं करना चाहिए, ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है शब्दी रेव साहसित शब्दी कुर्वित संगतिम शब्दी विर्वादम मैत्रीम च न अशब्दी किंचिदाचरित। अर्थात शब्दी मतलब क्या होता है, सज्जन, ध्यान रखना। शब्दी एव विच्छेद कर रहे तो शब्दी है प्लस एव बन रहा है, ये ऋतुविशेषक संधि है। तो सज्जन के साथ ही, साहसित का अर्थ होता है बैठना चाहिए, सज्जन के साथ ही हमें बैठना चाहिए। शब्दी कुर्वित संगति, और सज्जन व्यक्ति के साथ ही हमें संगति करना चाहिए, यानी उसी के साथ रहना
चाहिए सब्दिर विवादम मैत्रिम च। और विवादम मतलब झगड़ा, झगड़ा भी जो है हमें वो भी हमें सज्जन व्यक्ति के साथ करना चाहिए, मित्रता भी हमें सज्जन व्यक्ति के साथ करनी चाहिए। न अशब्दी, संधि विच्छेद कर ले तो इसका अर्थ निकला न प्लस अशब्दी, तो न मतलब नहीं, अशब्दी, शब्दी मीन्स क्या निकल रहा था इतनी देर, सज्जन अ लगते ही क्या हो जाएगा असज्जन, तो असज्जन व्यक्ति के साथ किंचित आचरित, कुछ भी, किंचित मतलब क्या होता है कुछ भी, आचरण यानी आचरण, कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए, यानी उसके साथ हमें किसी भी तरह का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। जो भी रखना, अगर हमें झगड़ा भी करना है तो किसके साथ करना चाहिए, सज्जन के साथ झगड़ा करना चाहिए। ये सब जो काम है हमें असज्जन व्यक्ति के साथ नहीं करना चाहिए। तो क्या मोरल मिला कि हमें दुष्ट व्यक्ति, बुरे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट है धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च तक्त लजः सुखी भवेत्। अर्थात धन मीन्स क्या होता है, धन मनी, और धान्य मतलब अनाज, तो धन का और अनाज के प्रयोग करने में विद्यायाः संग्रहेषु, और विद्या को इकट्ठा करने में, संग्रहेषु का अर्थ क्या निकलता है, इकट्ठा करने में, आहार का अर्थ होता है भोजन में, व्यवहारे मीन्स व्यवहार में, त्यक्त लज, त्यक्त मतलब छोड़ दो, लज मतलब शर्म को छोड़ देना चाहिए, सुखी भवेत, वही व्यक्ति सुखी रहता है जो धन के उपयोग करने में, अनाज का उपयोग करने में और विद्या को इकट्ठा करने में। अब विद्या को इकट्ठा करने का मतलब क्या है, हमें किसी से भी अगर कोई ज्ञान की प्राप्ति मिलती है, चाहे वह छोटा बच्चा है क्यों ना हो, तो हमें उससे भी हमें ज्ञान लेना चाहिए, और भोजन करने में और व्यवहार में, अच्छे व्यवहार में व्यक्ति को शर्म छोड़ देनी चाहिए, उससे क्या होता है वह व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खगह करे यश्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृति, क्षमा वशीकर्तृकार्थ होता है, एक वशीकरण, एक मंत्र होता है किसी को वश में करने का, लोके का मीन निकलता है संसार में, यानी क्षमा करना, क्षमा अगर किसी को कर देते हैं तो इस संसार में एक वशीकरण की तरह मंत्र है ये। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा, ये समास शब्द की तृतीया विभक्ति है, क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता, यानी क्या कार्य होता है जो सफल नहीं होता है, शांति खग करे यश्य, शांति का अर्थ होता है शांति रूपी, खग का मीन निकलता है तलवार, करे मीन्स हाथ में, यश मतलब जिसके, जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यति दुर्जनः, तो दुर्जन व्यक्ति भी उसका क्या कर सकता है, अर्थात उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अर्थात यही है कि अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो अगर वो माफ़ी मांगता है दिल से, तो हमें उसको माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि माफ़ी, माफ़ करने में ही हमारा और उसका दोनों का फ़ायदा है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना करे। ओके, तो ये श्लोक कम्प्लीट हो गए आपके, आप इसको, इसका हिंदी में अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।